नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे ग्रेनाइट पर कलरिंग करने का आसान तरीका। बिल्कुल आसान है, आपने जो यह नाम खुदवाया है, इस खुदवाए गए नाम पर हमें कलरिंग करना है। बिल्कुल आसान है, एशियन का कोई भी ऑयल पेंट जो मिलता है बाजार में वो आसानी से मिल जाएगा। जो खुदवाया है ये नाम, इसके ऊपर हमें डालना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका आसान सा तरीका। कोई भी बड़ा वाला ब्रश ले लीजिए, खाली तरफ ब्रश से केवल ये नाम पर हमें ये ब्रश से घुमाना है, हल्के हल्के धीरे धीरे, ताकि इसके ऊपर कलर जम जाए। ये ऑयल पेंट है, इसके ऊपर इस प्रकार से घुमाइए। ये जो पतरा मिलता है मार्केट में, यह 10 रुपये मिलता है, 2 इंच का है। इसे केवल घुमाना है इस प्रकार से ऊपर से, और कपड़े से इस प्रकार से आप पोछ लेना है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, केवल धीरे धीरे इसके ऊपर से घुमाइए। जो अतिरिक्त पेंट है वो पेंट इस पतरे को रखकर ऊपर चला आएगा, और इस प्रकार से आप कलरिंग करने का आसान तरीका हो जाएगा। एक गड्ढे में आप देख सकते हैं, गड्ढे में कलर चला गया है इस प्रकार से। नजदीक से भी दिखा दूंगा आपको, इस प्रकार से गड्ढे में वो कलर चला गया है। इसके बाद में सूख जाने के बाद आप टचअप कर सकते हैं। ये शैम्पू का पानी है, शैम्पू का पानी किसी बॉटल में डालकर जो हमने कलर इसका किया है, इसके ऊपर आपको ये पानी डालना है। 2 इंच का पतरा है, इस पतरे से इसके ऊपर सिर्फ घिसना है। घिसने के बाद ऊपर का जो सरफेस ऊपर लगा हुआ जो पेंट है वो पेंट निकल जाएगा, और जो गड्ढे में चला गया है कलर वो गड्ढे का ऊपर ही रह जाएगा। इस प्रकार से उसको घिसना है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो लगा हुआ कलर है वो निकल गया है, और जो गड्ढे में कलर गया था इसके नाम पर बैठा हुआ है। इस प्रकार से यह कलर निकल जाएगा, और जो गड्ढे में चला गया है वो वैसे ही रह जाएगा। फिनिशिंग करने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा।